आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रिलायबिलिटी से क्वेश्चन तो कंफर्म में आएगा, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं, बस दो तीन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, उसी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी क्या है? एक प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम और पीस ऑफ इक्विपमेंट और सिस्टम विल कैरी आउट इट्स स्पेसिफाइड मिशन सेटिस्फैक्टोरली फॉर द स्टेटेड टाइम पीरियड व्हेन यूज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब क्या है कि आप मान लीजिए एक सिस्टम बनाया है, और एक सिस्टम आप लोग ऐसे बनाए कि वो 100 दिन तक काम चलेगा, 100 दिन तक चलेगा। तो ये जो रिलायबिलिटी है कि ये बताता है कितना प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम जो है वो 100 दिन से आगे चलेगा। 100 दिन तो 100 दिन, 100 दिन तो ऑलरेडी चलेगा, 100 दिन के साथ 100 दिन के आगे कितना चलेगा वो होता है रिलायबिलिटी। वो बताते हैं हमारे रिलायबिलिटी। ओके, ये एक है बाथटब कर्व। इसमें देखिए, ये एक्सिस से हमें क्या है, टाइम डिपेंडेंट फेल्योर रेट और हजार्ड रेट, टाइम डिपेंडेंट फेल्योर रेट और हजार्ड रेट। ओके, और ये एक्सिस में हमें है टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में क्या है, फेल्योर रेट है या फिर हजार्ड रेट है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो रेट है हाइएस्ट से स्टार्ट होता है, ये ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये जो पीरियड रह गया ये होता है बॉर्न इन पीरियड। ओके, इसके बाद आता है यूजफुल लाइफ पीरियड, देन आता है वियर आउट पीरियड। अभी देखिए, पहला कंडीशन में हमारा क्या हजार्ड रेट कम होते होते आता है, क्योंकि बॉर्न इन पीरियड जो है ये हमारा मोस्टली टेस्टिंग पीरियड रहता है। कुछ नया मशीन आप लोग लाए तो नया मशीन फेल होने का चांस कब है, स्टार्टिंग टाइम में फेल होने का चांस है, क्योंकि वो अच्छे से डिजाइन नहीं हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लमेटिक हुआ होगा, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग से, तो क्या हुआ उसमें आप लोगों का वो मशीन फेल होने का चांसेस है। तो इसीलिए आप लोग जब नया मशीन खरीदते, जैसे हम लोग नया गाड़ी खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं कि टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं उसको स्टार्टिंग से, या फिर उसको स्टार्टिंग से इतना रगड़ते नहीं है, तो थोड़ा आराम से चलाते हैं। तो ये स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा चांसेस है कि वो फेल हो सकता है। जब कुछ बर्न इन पीरियड ही चला जाएगा, उसके बाद क्या है उसका जो परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट परफॉर्म करता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट परफॉर्म करता है। तो वो होता है वो लाइफ टाइम पीरियड उसका हो गया, यूजफुल लाइफ पीरियड हो गया। देन क्या होता है, जब मान ले गाड़ी आप लोग 20 साल यूज कर लिए, 30 साल यूज कर लिए, तब क्या है उसका वियर आउट टाइम आ जाता है, उसका वो मेंटेनेंस मांगता है, उसमें कुछ खराबी आता है, तब क्या आपका जो रेट है फिर बढ़ता रहता है वो फेल्योर रेट, होता है वियर आउट पीरियड। ओके, ये होता है हमारा बाथटब कर्व। बर्न इन पीरियड, यूजफुल लाइफ पीरियड और क्या है वियर आउट पीरियड। बर्न इन पीरियड, आप लोगों ने मशीन नया लाया है तो उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वारंटी पीरियड के साथ आता है वो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कंपनी क्लेम करेगा वो चीज, तो वहां पे फेलियर होने का चांसेस है स्टार्टिंग से। जैसे आप लोगों ने यूज करते चलते हैं ऐसे, तो क्या होता है ये फेलियर क्या होता है कम होते होते आता है, तब क्या उसके बाद वो एक एक टाइम पे वो
एक कांस्टेंट में आ जाता है। तो यहां से आप लोगों का क्या है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करता है। तो ये जो टाइम हो गया, ये हो गया आपका यूजफुल पीरियड। इस टाइम पीरियड में क्या है, आपका जो मशीन है उसका परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वो देता है। ओके, देन क्या होता है, जैसे वो टाइम क्रॉस हो जाएगा, क्या है आपका जो मशीन है वो पुराना हो गया, तो अभी उसका पार्ट्स खराब हो गया, उसका इंजन प्रॉब्लम आया, तो वो आता है वियर आउट पीरियड। तो उसमें क्या होगा, वो फिर फेल्यूर रेट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम ज्यादा बढ़ते जाएगा तो आपका फेल्यूर रेट बढ़ता जाएगा। ये होता है आपका बाथटब कर्व। क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ। बाथ टब कर्व क्लियर है? प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये होता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हो जाता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो ये भी एक रिलायबिलिटी एक सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम लोग चलते हैं देखेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो होता है एफ एक्स। ओके, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, ऐसे जैसे यहाँ देखिए, तो ये है जब प्रोबेबिलिटी केस में क्या करते हैं हम, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहता है एफ एक्स, ये रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जब हम प्रोबेबिलिटी, ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे पिछला में देखेंगे हम लोग क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है क्या, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपका इंटीग्रेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वो 1 आता है। लेकिन क्या ये होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एक टाइम टी के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके टी तक एफ एक्स डी एक्स। बट क्या है, यहाँ पे हम लोग जब रिलायबिलिटी केस लेते हैं वो टाइम हमारा इनफाइनाइट से स्टार्ट, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि
आप लोग हर बार टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? टाइम जीरो से ही स्टार्ट होगा। एक सिस्टम आप लोगों ने इंस्टॉल किए तो टाइम, तो उसका टाइम जो है वो माइनस से नहीं आएगा। सिस्टम जिस दिन इंस्टॉल हुआ उसी दिन से काउंट होगा, मतलब वो 0 सेकंड से ही काउंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या 0 से स्टार्ट किए, क्योंकि हमारा टाइम 0 से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि सिस्टम एक आपने इंस्टॉल किया और रिलायबिलिटी निकाल रहे हैं 100 दिन के लिए, मतलब यह है कि 100 दिन के बाद, 100 डेज के बाद आपका जो सिस्टम वो कितना प्रोबेबिलिटी के साथ चलेगा वो होता है रिलायबिलिटी। मतलब जो गिवन टाइम है उस टाइम के बाद, उस टाइम के बाद मतलब टी से इंफाइनाइट, उस टाइम के बाद कितना दिन आपका सिस्टम चलेगा वो होता है रिलायबिलिटी। तो अभी इसको हम लोग टोटल पढ़े हैं क्या, 0 to infinite। यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 to infinite एफ एक्स डी एक्स कितना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होगा। तो अभी इसको ऐसे लिखते हैं, 0 to 2 t एफ एक्स डी एक्स प्लस t to infinite एफ एक्स डी एक्स कितना है, 1। तो ये जो है पहला पार्ट, ये क्या है, एफ ऑफ टी है, प्लस ये जो सेकंड पार्ट है क्या है, रिलायबिलिटी पार्ट है। तो यहां से आता है हमारा ये रिलायबिलिटी इक्वेशन क्लियर हो रहा है। आज आप लोगों का ऑलमोस्ट रिलायबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, बस एक चीज रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पार्ट, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर लूंगा। रिलायबिलिटी का इक्वेशन कैसा निकाल रहे हम लोग, क्लियर हो रहा है? देखिए सबसे पहले ये देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी यही होता है ना, इतना ही होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स जो है 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा 1 है। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग क्या ये टाइम कंसिडर कर रहे हैं, टाइम नेगेटिव नेगेटिव से कभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने सिस्टम जिस दिन इंस्टॉल किया उसी दिन से टाइम काउंट होगा, तो वो टाइम 0 से स्टार्ट होगा। तो इस केस में ये जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट ना होके 0 to infinite स्टार्ट होता है। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी का, टोटल प्रोबेबिलिटी समझ गए हम लोग, पहले बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर है या नहीं? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो यहाँ पे टाइम कंसिडर कर रहे हैं, तो टाइम हर बार 0 से ही स्टार्ट होता है, तो इसीलिए 0 to infinite टाइम 0 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो उसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगा, वो टोटल प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, तो
तो 0 to infinite एफ एक्स डीएक्स 1, ये क्लियर है टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यस और नो? सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी अब क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ टी में, ये क्या होता है जो जिस टाइम के लिए आप लोग निकाल रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी आप लोग निकाल रहे हैं कि मान लीजिए 10 डेज, तो मैं क्या निकालता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर 10 डेज। तो आप लोगों ने 10 डेज के लिए प्रोबेबिलिटी निकाले, तो क्या है वो एफ ऑफ 10 हम उसको लिखेंगे, क्या है 0 to 10, 10 डेज के लिए एफ एक्स डी एक्स। तो ये होता है, इसका जो इक्वेशन आता है वो है ये 0 to t, अप टू टाइम t, मतलब जहाँ जो सिस्टम अप टू टाइम t के लिए जो भी है। ओके, तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप टू टाइम t। देन आएगा t के बाद, ये होता है, देन आता है रिलायबिलिटी, देन आता है रिलायबिलिटी, क्या है t के बाद जो हमारा एफ ऑफ टी जो है वो किस टाइम तक है, 0 से t टाइम तक है, और रिलायबिलिटी जो है क्या है टी से इनफाइनाइट तक है। ओके, तो अभी ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या, जैसे यहाँ पे दिखा है, ये होता है मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको दो पार्ट कर दिया। अभी देखिए पहला पार्ट ये हो गया 0 to t एफ एक्स डी एक्स, दूसरा पार्ट टी टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। तो पहला पार्ट में आया मेरा एफ ऑफ टी, दूसरा पार्ट में आया रिलायबिलिटी, तो दोनों मिलके हो गया मेरा 1। तो रिलायबिलिटी क्या है 1 - f(t)। ओके, अब क्लियर है, अब क्लियर हो गए? बस ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी जो है 1 - f(t)। अब क्लियर है, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे वो आप लोग क्लियर होगा। और चलिए अभी फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे यही आया रिलायबिलिटी फंक्शन डिफाइंड बाई, ये हम लोगों निकाले रिलायबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व करते हैं मोस्टली। जितना क्वेश्चन भी आता है हमारा गेट में वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं, वो दिखाऊंगा मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक, बट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो ऐसे लिखते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन हो गया आपका एफ ऑफ टी इक्वल टू लैम्बडा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ये जो लैम्बडा है क्या है, वो फेल्योर रेट होता है, लैम्बडा आपका होता है फेल्योर रेट। ओके, और 1 by लैम्बडा जो है वो होता है म्यू, म्यू क्या होता है, ये मीन टाइम टू फेल्योर होता है म्यू। मीन टाइम टू फेल्योर, ओके। तो इसको लैम्बडा को देखिए 1 by μ के टर्म में लिखा है, यहाँ पे ये लैम्बडा है आपका, तो 1 by μ के टर्म में लिखा है ऐसा है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है देखिए यहाँ जो है लैम्बडा जो है फेल्योर रेट है, लैम्बडा हम लोग लिए हैं फेल्योर रेट। ओके, तो हम लोग जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये एफ ऑफ टी, ये किसका प्रोबेबिलिटी है, ये फेल्योर का प्रोबेबिलिटी है, फेल्योर का प्रोबेबिलिटी है, ये फेल्योर का प्रोबेबिलिटी है। मतलब क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेल्योर एफ ऑफ टी कैन बी डिटरमाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। मतलब ये है कि टी टाइम के अंदर
आपका सिस्टम फेल होने का कितना चांसेस है। मान लीजिए कि आप लोग F of 10 निकाल रहे हैं, तो मतलब ये होगा 10 डेज के अंदर सिस्टम फेल होने का कितना चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी देगा आपको F of 10। तो यहां से हम लोग का जैसे इसका ये आएगा 0 to t, इसको सॉल्व करने से वो आता है हमारा F of t जो आता है 1 - e to the power - λt, ये आता है। ओके, यहां से हम लोग रिलायबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा 1 - f of t, तो ये आ जाएगा e to the power - λt। यहां से हम लोग दो चीज सीखे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक क्या है इसमें, पहली बात लैम्ब्डा क्या है, ये मीन फेल्योर रेट। ओके, देन आता है म्यू, म्यू म्यू क्या होता है 1 बाय लैम्ब्डा, तो ये क्या है आपका मीन टाइम टू फेल्योर। ओके, अभी आता है नेक्स्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम फेल विद इन टाइम टी। ओके, इसको बोलते हैं हम F of t। क्या होता है F of t? F of t आएगा 1 - e to the power, पहले आपका F of t होगा 0 to t fx ft dt। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या है एक्सपोनेंशियल का, e to the power - λt, तो ये होगा आपका फंक्शन e to the power - λt dt। तो इसको सॉल्व करने से आता है 1 - e to the power - λt। ओके, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम फेल विद इन टाइम टी। अब आता है टी टाइम के अंदर सिस्टम फेल नहीं हुआ, टी के बाद सिस्टम फेल होगा, क्या है सिस्टम फेल आफ्टर टाइम टी। ओके, आफ्टर टाइम टी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। ये होता है हमारा रिलायबिलिटी आफ्टर टाइम टी, मतलब देखिए टी के बाद इन्फाइनाइट टाइम तक कहीं भी ये फेलियर हो सकता है, तो ये जो आता है रिलायबिलिटी हमारा आता है कितना 1 - f of t। तो यहां से हम लोग f of t ये पुट करेंगे तो आएगा क्या, रिलायबिलिटी इक्वल्स टू e to the power - λt। दो कॉन्सेप्ट है ये पूरा मन में क्लियर कर रखिए, दो कॉन्सेप्ट है। क्या है रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप टी टाइम पे निकाल रहे हैं 100 दिन पे निकाल रहे हैं, रिलायबिलिटी मतलब ये है कि 100 दिन तक आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से चल गया, 100 दिन के बाद फेल होगा वो होता है आपका रिलायबिलिटी, मतलब 100 दिन तक आपका सिस्टम चल रहा है उसके बाद जाके फेल होगा वो होगा रिलायबिलिटी। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम फेल जो F of t, तो टी टाइम के अंदर, तो आप लोग 100 t के जगह पे 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 100 लिया मैंने, तो उसमें आता है कि 100 दिन के अंदर फेल होता है तब आता है F of t। ओके, 100 दिन के बाद आता है फिर बाद फेल होगा वो आएगा रिलायबिलिटी, 100 दिन के अंदर आएगा तो क्या आएगा आपका जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन F of t। क्लियर है अब,
फॉर्मूला से हमें जाना है बस, जो फंक्शन है हम 100 दिन के अंदर टी टाइम के अंदर फेल होने का जो चांसेस है, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो होता है एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, इसको जब हम सॉल्व करते हैं आता है एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये होता है टी टाइम के अंदर, और टी टाइम के बाहर, टी टाइम क्रॉस होने के बाद 100 दिन के बाद सिस्टम जो फेल होता है, सिस्टम फेल होने का चांसेस है। मतलब 100 दिन आपका सिस्टम चल गया उसके बाद फेल हो सकता है, उसको बोलते हैं हम रिलायबिलिटी। तो वो जो होता है क्या आएगा, 1 माइनस एफ ऑफ टी कितना आता है, रिलायबिलिटी जो आता है ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये दो फॉर्मूला याद रख लीजिए, इसी को ही यूज करके आगे बढ़ेंगे हम लोगों ने। ओके, अब तो आगे बढ़ते हैं। यह एक क्वेश्चन है, देखिए क्या, लाइफ टाइम ऑफ ए मॉडर्न लो वाटेज इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इज नोन टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां से आप लोग को पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है वो लैम्डा के टर्म में है। ओके, विथ ए मीन ऑफ 8000 ईयर। अभी देखिए मीन ईयर दिया, मतलब ए जो हमारा इसमें ये जो मीन 8000 आवर दिया ना, ये क्या दिया, म्यू दिया, म्यू। तो यहां से आप लोगों को लैम्बडा निकालना पड़ेगा। म्यू क्या होता है, मीन टाइम टू फेल्योर। तो टाइम में जो दिया है, यूनिट टाइम है इसका, देखिए यूनिट टाइम है। म्यू मतलब इस यहीं पे लिख देता हूं मैं, म्यू का जो यूनिट है क्या है, वो टाइम में आएगा, आवर पे आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। और लैम्बडा का जो है वो 1 बाई टाइम पे आएगा। ओके, तो यहाँ है कि यहाँ से म्यू दे दिया, तो यहाँ से आप लोगों को लैम्बडा निकालने के लिए क्या होगा, 1 बाई 8000। ओके, देन पूछा है क्या, फाइंड द प्रॉपर एक्सपेक्टेड टू फेल बिफोर 7000 आवर। ये टर्म याद, देखिए बिफोर बिफोर 7000 ईयर। तो यहाँ से हम लोग समझ में क्या आता है, क्या यूज करना है, एफ ऑफ टी यूज करना है। क्या होगा, एफ ऑफ 7000। तो इसको करेंगे तो क्या आता है, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लैम्बडा। लैम्बडा के जगह कितना है, 1 बाई 8000, और टी के जगह कितना है, 7000। पुट करिए, आपका जो है आंसर मिल जाएगा यही है। देखिए 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 7000 बाई 8000, ये आ गया आंसर। क्लियर हो गया, यहां से एफ ऑफ टी बिफोर आया तो एफ ऑफ टी यूज कर दिया हम लोगों ने। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया ये क्वेश्चन। गेट कैलकुलेटर होगा, गेट कैलकुलेटर आप लोगों का दिया है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉल्व करने के लिए। ओके, ये देखिए क्या बोला है, पहले तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से समझ में आ गया कि हाँ लैम्बडा कहीं ना कहीं तो आएगा ही, तो लैम्बडा को यूज करना है हमें। ओके, फिर बोल दिया क्या, विथ ए मीन ऑफ 8000 आवर। देखिए यूनिट जो है इसका टाइम में है, यूनिट जो है क्या है, यूनिट जो है टाइम में है। तो मतलब क्या है, म्यू का वैल्यू दिया है, म्यू का वैल्यू दिया है कितना, 8000। तो यहां से हम लोग लैम्बडा निकालेंगे तो कितना आएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। ओके, लैम्बडा पार्ट क्लियर। देन आते हैं, क्या पूछा है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ बॉल्ब दैट मे बी एक्सपेक्टेड टू फेल बिफोर 7000 आवर यूज। बिफोर 7000 से पहले, 7000 आवर के पहले फेल हुआ, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था ना, यहाँ पे देखिए टी टाइम से पहले फेल होता है तो क्या है, एफ ऑफ टी। अभी देखिए टी टाइम के बाद फेल होता है, टी नीचे है, टी टाइम के बाद फेल होता है, तब आता है रिलायबिलिटी। ओके,
तो यहाँ पहला पार्ट है बिफोर दे दिया है, 7000 से पहले फेल हो गया। तो यहाँ देखिए ये वाला यूज हो रहा है हमें, टी ऊपर है, 0 से स्टार्ट हुआ 7000 तक जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला पुट करने से क्या आता है, एफ ऑफ टी का फॉर्मूला 1 - e^(-λt)। तो पुट कर लीजिए टी के जगह क्या है, 7000 आवर आ जाएगा। तो 1 - e^(-7000)/8000, क्योंकि लैम्बडा जो कितना है 1/8000, टी जो कितना है 1/7000। तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा आपका फॉर्मूला। क्लियर हुआ? म्यू एंड लैम्बडा 0.583 आ रहा है। देख लेते हैं, जीरो पॉइंट फाइव एट थ्री आ रहा है। जीरो पॉइंट फाइव एट थ्री यू बताया ना। यहाँ पे म्यू क्या होता है, मीन टाइम टू फेल्योर होता है। म्यू म्यू होता है क्या, मीन टाइम टू फेल्योर। लैम्बडा क्या होता है, मीन फेल्योर रेट। म्यू का जो यूनिट है वो टाइम के टर्म में आएगा, आवर में आ सकता है, ईयर में आ सकता है, डे में आ सकता है, या फिर मिनट में आ सकता है, या फिर सेकंड में आ सकता है। ओके, लैम्बडा जो है कि मीन फेल्योर रेट। तो ये लैम्बडा जो है 1/μ है, तो वो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो उसका जो यूनिट है 1/टाइम में आता है। ओके, यह देखिए म्यू, म्यू होता है मीन टाइम टू फेल्योर, लैम्बडा होता है मीन फेल्योर रेट। अब क्लियर है, लैम्बडा, म्यू, एफ ऑफ टी, रिलायबिलिटी। ओके, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ बताइए, और एक एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल ओनली फंक्शन करेक्टली इफ टू एसेंशियल कंपोनेंट, इफ टू एसेंशियल कंपोनेंट बोथ फंक्शन करेक्टली। ओके, मतलब क्या है कि दोनों जो एसेंशियल कंपोनेंट है
वो दोनों करेक्टली काम करेगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अच्छी करेक्टली काम करेगा। ओके क्या बोलता है, लाइफ टाइम ऑफ द फास्ट कंपोनेंट इज नोन टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया लैम्बडा पार्ट यहाँ से आ गया आपको कि लैम्बडा है कहीं ना कहीं विथ ए मीन आवर ऑफ 600 आवर। तो मैं बोलूंगा म्यू वन दे दिया कितना 6000। यहाँ से लैम्बडा वन निकालेंगे तो 1/6000 हो गया। सेकंड चलते हैं, लाइफ टाइम ऑफ द सेकंड कंपोनेंट इज नोन टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन कितना दे दिया 7000। तो हो गया म्यू टू 7000। तो यहां से आ जाएगा लैम्बडा टू कितना 1/7000 हो गया। क्या पूछा है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ डिवाइस दैट मे बी एक्सपेक्टेड टू फेल बिफोर 8000 ईयर। ओके तो 8000 घंटे से पहले फेल होने का चांसेस, अभी देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज करना है। प्रोबेबिलिटी में हम जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऐसा ही सॉल्व करना है। तो क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके अंदर दो एसेंशियल कंपोनेंट है, दोनों दो एसेंशियल कंपोनेंट है। ओके क्या बोला है, दोनों काम करेगा तो आपका सिस्टम काम करेगा। तो ये मान लेता हूं मैं कंपोनेंट वन लिखता हूं यहाँ पे, ये हो कंपोनेंट टू, अभी यहाँ पूरा सिस्टम आपका। क्या कंडीशन है, दोनों काम करेगा तो जाके सिस्टम आपका काम करेगा। ओके भी एक कोई एक भी फेल होगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा, या फिर दोनों फेल होगा तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। ये है, तो ये चारों केस में है। तो ये कि दोनों कंपोनेंट आपका क्या, दोनों कंपोनेंट चलेगा तो आपका सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, अभी चारों केस है, प्रोबेबिलिटी का चारों केस आता है यहाँ पे। अभी पूछा है क्या है, फेल का पूछा है, फेल मतलब क्या, ये तीन केस को कंसिडर करना है। क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड टू फेल बिफोर फेल, तो फेल ये तीन केस को कंसिडर करना है, तीनों केस को हम लोग निकालना है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं हर बार प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, तो इसीलिए हर बार हम लोग ऐसा केस लेते हैं ना, 1 - फर्स्ट केस ले लेते हैं, तो हम लोग को आंसर मिल जाता है हर बार। प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही प्रिफर करते हैं ना, क्योंकि हमें जल्दी आंसर मिले। तो पहले क्या करना है, जो कंपोनेंट वन का क्या सक्सेस रेट निकालना है, कंपोनेंट वन का पहले निकालते हैं। कंपोनेंट वन जो है 8000 आवर, ये क्या पूछा है फेल का, हम लोग उल्टा निकालते हैं कि वो फेल नहीं होगा। ओके 8000 आवर से पहले उसने फेल नहीं होगा, नॉट फेल विद इन 8000 आवर। इसका मीनिंग क्या है, तो 8000 आवर के बाद वो फेल हो सकता है। तो इसका मीनिंग जो है, फेल आफ्टर 8000 आवर। तो ये आता है, ये जो टर्म है ना आफ्टर आ गया यहाँ पे, ये होता है रिलायबिलिटी। इसको फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो एफ ऑफ टी हम निकालते हैं उसे वन से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो फेल नहीं होने का मतलब क्या है कि 8000 के बाद फेल हो सकता है, लेकिन 8000 के अंदर फेल नहीं होगा। तो यहाँ पे R1T निकालते हैं, तो कितना आता है e^(-λ1t), तो क्या होगा e^(-), टाइम कितना 8000, 8000/6000। ओके e^(-4/3), देन आता है कंपोनेंट टू का e^(-λ2t), क्या आएगा e^(-), इसको करने से 8/7। तो ये आ गया आपका दोनों कंपोनेंट का। अभी सिस्टम का
पूरा सिस्टम का लेंगे तो क्या होगा रिलायबिलिटी, दोनों दोनों आपका चल रहा है, दोनों चलेगा तो आपका सिस्टम चलेगा, तो क्या होगा R1T इंटू R2T। ओके, तो यहां से आ जाएगा कितना e टू दी पावर माइनस 4/3 इंटू e टू दी पावर माइनस 8/7। अब आता है फेल्योर का, क्या है 8000 दिन से पहले, 8000 दिन से पहले सिस्टम फेल होगा, तो आता है यहाँ पे आगा एफ ऑफ टी, क्या होगा 1 माइनस RT। ओके, ये आएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 4/3 इंटू e टू दी पावर माइनस 8/7। और इसको सॉल्व करने से आपका कितना आ रहा है देखिए, यह आएगा 0.916 नियर आ जाएगा आपका 0.916। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। दोनों का एफ ऑफ टी नहीं कर सकते, एफ ऑफ टी से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मैंने दिखाया, आप देखिए यहाँ पे आप एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे तो देखिए टिक मार्क के लिए आर ऑफ टी कंसिडर होगा, टिक मार्क के लिए, टिक मार्क के लिए रिलायबिलिटी, मतलब सिस्टम 8000 घंटे चलेगा, 8000 घंटे के बाद जाके फेल होगा, तो आर रिलायबिलिटी, जहां पे क्रॉस मार्क है उसके लिए एफ ऑफ टी, क्योंकि 8000 घंटे से पहले फेल होगा। ओके, ऐसा है, तो आपको चाहिए क्या, फेल्योर वाला चाहिए जो क्रॉस मार्क है, तो इसके लिए क्या ऐसे तीन केस आप लोगों को लेना पड़ेगा, ये केस टू भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एक का एफ ऑफ टी, दूसरा का आर ऑफ टी, सेकंड केस में एक फर्स्ट का आर ऑफ टी, सेकंड का एफ ऑफ टी, थर्ड केस में दोनों का एफ ऑफ टी, ये तीनों को, तीनों केस मल्टीप्लाई कर, सॉरी तीनों केस ऐड करने के बाद जाके आपका टोटल फेल्योर मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करें, सिर्फ एक केस को 1 से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, हमें जो चाहिए, तो इसीलिए दोनों का रिलायबिलिटी पार्ट निकाले, मतलब 1 माइनस एफ ऑफ टी पार्ट जो कि 8000 घंटे के बाद फेल होने का चांसेस है, तो वो होगा रिलायबिलिटी दोनों का निकाल दिए। ओके, तो टोटल रिलायबिलिटी निकाल दिए, ये है टोटल रिलायबिलिटी, यहाँ का टोटल रिलायबिलिटी निकाल दिए, फिर 1 माइनस करके हम लोग को हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है? केस चार कैसे देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा था क्या है कि
आपका दोनों सिस्टम चलने से ही, दोनों कंपोनेंट चलने ही सिस्टम चलेगा। तो ये फर्स्ट केस में लिख दिया, दोनों दोनों कंपोनेंट मेरा चला तब जाके सिस्टम चला। अभी सिस्टम नहीं चलने का क्या है, मतलब फेल होने का, एक्सपेक्टेड टू फेल बिफोर। ये जो पहला केस है क्या है कि जो टिक है पहले, मतलब 8000 से 8000 घंटे से 8000 घंटे के बाद जाके फेल होने का जो चांसेस है, तो वो ऐसा है 8000 घंटे के पहले जो फेल होने का है, तो कोई एक भी फेल होगा तो आपका सिस्टम 8000 घंटे से फेल हो जाएगा, कोई एक भी फेल होगा तो, या फिर दोनों फेल होगा तो आपका सिस्टम 8000 घंटे से पहले फेल हो जाएगा। या ये हमारा केसेस है, तो इसको हम लोग जब कंसिडर करते हैं हमारे इजी के लिए, हम लोग का कैलकुलेट इसमें 3 बार ऐसे करके तीनों केस का ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए एक केस का निकाल देते हैं और 1 से माइनस कर देने से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। फिर हो गया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ? कैसे क्लियर नहीं हुआ? दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्लियर होगा। दो बल्ब सीरीज कनेक्शन में है, ओके। आपका रूम जो है वो लाइट होगा कब, जब आपका दोनों बल्ब जलेगा, ओके। तो क्या है अभी देखिए, फर्स्ट बल्ब केसेस पहले समझ लेते हैं, सेकंड बल्ब और आपका रूम लाइटनिंग, रूम लाइट होने का चांस क्या है, दोनों सीरीज में फर्स्ट बल्ब जलेगा सेकंड बल्ब जलेगा तब जाके आपका रूम लाइट हुआ, ओके। फर्स्ट बल्ब नहीं जला, सेकंड बल्ब जल रहा है, रूम लाइट नहीं होगा, तो ऐसा ले रहा मैं। सीरीज पैरेलल बाद में देखेंगे, इसको सीरीज मत लिखता हूँ, यहाँ पे मत लिखें। ओके, पहला बल्ब जल रहा है, दूसरा बल्ब नहीं जल रहा है, तो आपका प्रॉपर लाइटिंग नहीं हुआ। दोनों बल्ब नहीं जल रहा है तो भी लाइटिंग नहीं हुआ, ओके। तो बात यह है कि लाइटिंग नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब कुछ टाइम के लिए मान लीजिए, तो इसमें फर्स्ट केस में फर्स्ट बल्ब का जो है λ1 ले लेता हूँ मैं, सेम टू सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं। λ1 कितना था पहला में, 1/6000, तो 1/6 ले रहा हूँ। सेकेंड में λ2 कितना था, 1/7, ओके 7 ले लिया, यही है, ठीक है। 8 घंटे मान लीजिए आपका जो टाइम है, 8 घंटे, तो क्या बोल रहा है कि ये जो रूम आपका लाइट नहीं होगा, पहले 8 घंटे में रूम आपका लाइट लाइट नहीं होगा, तो ये जो बात है, ये जो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 3 केस है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तीनों है नहीं होने का केस। तो आपका जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तीनों केस ऐड करना पड़ेगा, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ऐसे आंसर मिलेगा, नहीं तो क्या है 1 माइनस फर्स्ट केस, तभी जाके आंसर मिल जाएगा। तो ये जो क्रॉस सिंबल है वो किसको दिखाता है, फेल्योर को, एफ ऑफ टी को। जब टिक सिंबल है वो किसको दिखाता है, सक्सेस को, 1 माइनस f(t) को, यही दिखाता है ना। तो पहला केस में कंसिडर किया, पहला केस में क्या कंसिडर करूंगा, टिक मार्क कंसिडर कर रहा हूँ, टिक, तो r1t इसीलिए कंसिडर किया, तो ये आ गया मेरा e^-8/6, जो कि e^-4/3, यही है ना। सेकंड केस में क्या आया, e^-8/7, क्या है, e^-λT, यही होता है, सॉरी e^-λT, t होता है, तो t के जगह कितना 8 है, लैम्बडा का जगह कितना
1/6 है, कहीं 1/7 है। ओके, तो ये हो गया। अभी टोटल दोनों का, दोनों सिस्टम का जो रिलायबिलिटी है, दोनों पूरा सिस्टम का जो है, तो वो कितना आएगा, R1T इंटू R2T, यही होगा ना। फिर आपका फेल्योर का, टोटल फेल्योर का कितना, 1 - R। क्लियर है? मीन टाइम बिटवीन फेल्योर वो जाएंगे हम, वो सब देखेंगे। क्लियर हो गया? अरे आगे बढ़े। चलते हैं, उसका दो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। याद रखिए इसमें क्या है कि मीन टाइम टू फेल्योर जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका 0 to ∞ रिलायबिलिटी फंक्शन का R(T)-dt। तो इसको हम लोग करेंगे तो कैसा होगा, जीरो टू इन्फाइनाइट e^-λ(T)-dt। ये एक चीज बस याद रखिए, मीन टाइम टू फेल्योर जो है 0 to ∞ आपका रिलायबिलिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन है। तो मीन टाइम टू फेल्योर, मीन टाइम टू फेल्योर क्या है, म्यू है, तो म्यू ही 1/λ आता है हमारा। जैसे हम लोग म्यू 1/λ लिख लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको रिलायबिलिटी फंक्शन यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, क्या दिया है, 0 to 10 में ये फंक्शन है आपका, और 10 से आगे, 10 से इन्फाइनेट तक फंक्शन 0 है। तो इसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 to ∞ R(T)-dt, 0 to 10 एक पार्ट है, 10 to ∞ एक पार्ट है, तो 0 to 10 जो पार्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, ये था T - T/10, और 10 to ∞ पार्ट में क्या था, 0 था। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट 0 हो जाएगा। कहाँ निकलता हूँ इसका, देन इसका जो आएगा वो ऐसे हम लोग सॉल्व करने में आता है 90 आवर। ये होगा आपका म्यू। तो यहां से आप लामडा निकालेंगे तो आएगा 1/90। से आता है ये, बस याद रखना है कि मीन टाइम टू फेल्योर जो है, हमारे पास लामडा नहीं दिया हुआ, तो लामडा नहीं दिया है लेकिन रिलायबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, तब हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। ओके, और लैम्डा दिया हुआ है तब तो कोई टेंशन नहीं, सीधा हम लोग निकाल देते हैं म्यू इक्वल्स टू 1/λ। लेकिन लैम्डा नहीं दिया हुआ है और रिलायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है, तब हम लोग को इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। ओके, क्लियर है मीन टाइम टू फेल्योर का आंसर? नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा, पहले मल्टीप्लाई कीजिए दोनों का, e^-1/4/3 है इंटू e^-8/7 है, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, वो आएगा आपका कितना,
आप लोग का आएगा 0.084 आएगा आपका, तो उसमें से 1 माइनस करने से आपका आ जाएगा 0.916 आएगा। तो ये हो गया मीन टाइम टू फेल्योर। अब आते हैं सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और क्या है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। सीरीज कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपका सिस्टम सब सीरीज में है तो क्या है, एक भी सिस्टम फेल हो गया तो पूरा सिस्टम होल सिस्टम फेल हो जाएगा। तो होल सिस्टम चलने के लिए आपका सभी कंपोनेंट या फिर सभी सब सिस्टम को चलना पड़ेगा। मतलब जो जो केस मैंने दिखाया था ना अभी, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट चलने से जाके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलता है, वो होता है एक एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये सब सीरीज में है तो मतलब इसका क्या है कि सिस्टम रन इफ ऑल सब सिस्टम रन, ये होता है पूरा सिस्टम आपका रन करेगा, पूरा सिस्टम चलेगा अच्छे से, कब, जब भी सभी सब सिस्टम आपका चलेगा, किसी एक भी सिस्टम फेल हो गया तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी सभी सिस्टम चलेगा मतलब क्या है, सभी सिस्टम चलेगा मतलब कि आपका जो गिवन टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा मतलब क्या हो गया, आपका आता है वहां पे रिलायबिलिटी, क्या आता है, रिलायबिलिटी आता है ना, फेल नहीं होगा उस टाइम पीरियड के अंदर। फेल होगा तो आता है क्या, आपका आता है फेल्योर रेट वाला एफ आता है। ओके, लेकिन उस टाइम के अंदर फेल्योर नहीं होगा मतलब क्या कि टी टाइम दिया हुआ है, टी टाइम दिया हुआ है तो टी टाइम के अंदर, टी टाइम तक आपका सिस्टम चलेगा मतलब क्या है, टी टाइम के अंदर आपका सिस्टम फेल नहीं होगा, टी टाइम के बाद फेल हो सकता है, तब आता है हमारा रिलायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख दीजिएगी, ये जो समझना है बस कि टी टाइम से पहले सिस्टम रन करेगा, टी टाइम के बाद जाके फेल होगा तब जाके आता है रिलायबिलिटी, टी टाइम के अंदर फेल होगा आता है क्या हमारा एफ ऑफ टी। ओके, तो यहाँ क्या है कि आपका होल सिस्टम रन होगा मतलब क्या है कि टी टाइम तक रन होगा तो यहाँ आता है रिलायबिलिटी, टी टाइम के बाद फेल हो सकता है लेकिन टी टाइम तक रन होगा। ओके, कब होगा, जब आपका पूरा का सब सिस्टम, सभी सब सिस्टम रन होगा मतलब आपका जो होल सिस्टम का जो रिलायबिलिटी आएगा वो कितना आएगा, सभी सिस्टम का रिलायबिलिटी, सभी सिस्टम चलेगा आपका, तो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन, ये होगा आपका सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला, ये होगा सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला। क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्या है कि सभी सिस्टम जब चलेगा आपका होल सिस्टम चलेगा, तब आता है ये आप लोगों का जो कॉमन फॉर्मूला है वो रिलायबिलिटी के टर्म में आता है, क्योंकि सिस्टम चलेगा एक ही केस में सिर्फ चलेगा, कौन सा केस, सभी सब सिस्टम चलेगा, वो एक केस को कंसिडर करते हैं हम, बाकी दूसरे केस हो, दूसरे तो बहुत सारे केस आएगा कि मान लीजिए एन सिस्टम है, एन सब सिस्टम है, उसमें पहला खराब हो गया सिस्टम खराब, दूसरा खराब हो गया सिस्टम खराब, तीसरा खराब हो गया सिस्टम खराब, चौथा खराब हो गया सिस्टम खराब, तो वैसे एन नंबर खराब हो गया सिस्टम खराब, तो N-1 केसेस वहां पे है, बहुत सारे केसेस है, तो उसको नहीं कंसिडर करना है, कंसिडर करेंगे सिर्फ एक केस जो कि हमें आंसर दे सकता है बहुत इजीली, कौन सा केस, फर्स्ट केस, कि सिस्टम रन होगा जब आपका सभी सिस्टम रन होगा, तो ये आएगा उसका कॉमन जो फॉर्मूला है। क्लियर है सीरीज कनेक्शन का, सीरीज कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसका जो कॉमन फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे, कौन से, रिलायबिलिटी से ही आएगा, तो आर ऑफ जो सिस्टम, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम जो है कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ईच सब सिस्टम।
ओके क्लियर है सीरीज कनेक्शन। वही ये साया, ये सर नो, फटाफट बताओ। प्रोबेबिलिटी है और क्या है, प्रोबेबिलिटी में सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन हमें पता है, बस प्रोबेबिलिटी का नाम यहाँ पे रिलायबिलिटी देके हम चल रहे हैं। तो इसमें रिलायबिलिटी तो हम समझ गए, और एक चीज देखना है क्या, मीन टाइम टू फेल्योर का फॉर्मूला, वो बस देखना है। तो मीन टाइम टू फेल्योर का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो यही मीन टाइम टू फेल्योर का जो फॉर्मूला है वो आएगा 1/26 लैम्डा का समेशन, λ2 λ3 प्लस λ n, ये होगा आपका फॉर्मूला। इजीली इसको ही बस ध्यान में रखिए, यही है आपका मीन टाइम टू फेल्योर का फॉर्मूला। अब क्लियर है, दो चीज याद रखना है हर बार, क्या है, एक आपका पहला है प्रोबेबिलिटी, दूसरा है मीन टाइम टू फेल्योर। हो गया क्लियर। वन माइनस टोटल रिलायबिलिटी हम करेंगे जब हमें क्वेश्चन पूछेगा कि फेल्योर का, कि क्वेश्चन पूछेगा हाँ टी टाइम के अंदर आपका सिस्टम फेल होने का चांसेस निकालो, तो हम लोग तो रिलायबिलिटी से क्या निकाले, टी टाइम के अंदर सिस्टम चलने का प्रोबेबिलिटी, तो उसमें वन माइनस करने से आ जाएगा हमें टी टाइम के अंदर सिस्टम फेल्योर होने का प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन जैसे पूछेगा हम लोग आंसर वैसे देंगे, लेकिन हमें बस पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे देंगे। ओके तो मीन टाइम टू फेल्योर, सीरीज के केस में मीन टाइम टू फेल्योर होता है 1/summation of lambda, 1/lambda 1 से स्टार्ट करके जितने लैम्बडा है सब ऐड कर दो। ओके कैसे होगा वो भी है, कैसे आता है, जैसे यहाँ लिखे हैं ना हम लोग ये सब, तो क्या है आता है क्या, R1T क्या है, e^(λ1t) इंटू e^(-λ2t) इंटू e^(-λ3t), ऐसे ऐसे आता है ना, तो इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, e^(-t) कॉमन लीजिए, λ1 प्लस λ2, ऐसे आ जाता है λn। तो अभी होल में इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा रिलायबिलिटी क्या होता है, 1 माइनस e^(λt), ये जो टोटल लैम्बडा है देखिए ये पार्ट समेशन पार्ट, तो ये आपका जो लैम्बडा ऑफ सिस्टम क्या है, λ1 प्लस λ2 प्लस λn, तो इसीलिए मीन टाइम टू फेलियर जो है 1/λ सिस्टम, तो सीधा ऐसे हम मैंने लिख दिया। ओके तो ऐसे हम लोग मिलता है ये, हम तो ये सीधा फॉर्मूला है, इसको जानने के लिए ऐसे हम लोग यहां से आता है ये। हो गया क्लियर, तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा है, अज्यूम दैट ए माइनिंग सिस्टम इज कम्पोज ऑफ 5 इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल सब सिस्टम इन सीरीज, बता दिया आपको इन सीरीज, कॉन्स्टेंट फेल्योर रेट फॉर ईच सब सिस्टम इज 0.006, 0.006 फेल्योर रेट सबका, सबका बोल दिया है कि 0.006। ओके फेल्योर पर आवर, कैलकुलेट द माइनिंग सिस्टम मीन टाइम टू फेल्योर एंड रिलायबिलिटी फॉर 100 आवर मिशन। जैसे बताया था मीन टाइम टू फेलियर क्या है, 1/ कितना सिस्टम है टोटल आपका, 5 सिस्टम है, λ1 प्लस λ2 प्लस अप टू λ5। अभी सभी लैम्बडा आपका सबका इक्वल ही है, इक्वल फेलियर रेट है, तो क्या हो जाएगा 1/5 λ, 1/5
इनटू ये आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे यही है, जो आंसर जितना है उतना ही है, तो कितना आ रहा है, 333.33 आवर हो गया। अब आता है रिलायबिलिटी केस, सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी क्या है, जैसे बताया था क्या, R1T इंटू R2T इंटू क्या है, अब टू कहाँ तक जाएगा, R5T, तो सभी का अभी क्या है, सभी का सेम ही है, e^-λ1T इंटू e^-λ2T इंटू ऐसे करेंगे तो e^-λ5T, तो क्या आएगा, e^-t कॉमन लीजिए तो λ1 + λ2 + up to λ5, अभी सभी लैम्डा आपका इक्वल है तो क्या हो जाएगा, (5λ) हो जाएगा, तो e^-5 इंटू लैम्डा के पार्ट हो गया। टाइम कितना दिया है, 100 आवर, 100 हो गया, तो ये आ जाएगा 0.7408, जो भी कैलकुलेट कर देंगे जो आएगा। क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या क्लियर है सीरीज कनेक्शन? अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन में। ये हो गया पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कोई एक भी सिस्टम आपका चलेगा तो आपका टोटल सिस्टम चलेगा, कोई एक भी सब सिस्टम चला तो पैरेलल में, ओके, कोई एक भी सब सिस्टम चलाएगा तो आपका जो पूरा होल सिस्टम है वो चलेगा। लेकिन एक लाइन में हम लोग एक ही केस कंसिडर करना है, क्या होल सिस्टम फेल, कब, इफ ऑल सब सिस्टम फेल, इसको कंसिडर बस करना है हमें। यहाँ पे ये मोटो हमारा है कि फेल वाला हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक ही केस आएगा वो ऐसा जो कि सिस्टम फेल होगा, कब, जब भी सभी सब सिस्टम आपका फेल हो जाएगा तब जाके आपका होल सिस्टम जो का फेल होगा। बट सिस्टम फेल नहीं होने का आप देखेंगे ना, तब कोई एक भी सिस्टम, टोटल एम एम सिस्टम है, एम सब सिस्टम मान लीजिए, पहला चल रहा है तो सिस्टम चलेगा, सेकंड चल रहा है सिस्टम चलेगा, थर्ड चल रहा है सिस्टम चलेगा, फोर्थ चल रहा है सिस्टम चलेगा, फर्स्ट सेकंड चल रहा है सिस्टम चलेगा, फर्स्ट फोर्थ चल रहा है सिस्टम चलेगा, तो ऐसा बहुत सारे केसेस है कि सिस्टम चलने के लिए, सिस्टम फेल होने के लिए सिर्फ एक ही केस है, वो क्या है, सभी सिस्टम फेल होगा तब जाके आपका टोटल जो होल सिस्टम है वो फेल होगा। तो ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे, क्या, सिस्टम फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब सभी सिस्टम जब फेल होगा, F1T, F2T, F3T, ऐसे एम नंबर या जो भी है, एम नंबर एन नंबर जो भी, तो वो क्या होगा, सिस्टम फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या आता है, ये आता है 1-R1T इंटू 1-R2T। रिलायबिलिटी तो पता होगा तो हमें ऐसे हमको लिखना है, यही है। ये होगा हमारा जो क्या कॉमन इक्वेशन, कॉमन जो है हमारा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से अभी मान लीजिए मैं टोटल सिस्टम का रिलायबिलिटी मुझे निकालना है तो क्या होगा, 1-FST हो गया। क्लियर है, पैरेलल में कैसे करेंगे,
क्लियर है? पैरेलल में कैसे करेंगे? फेल वाला सिस्टम को हमें पकड़ना है। एक ही केस ऐसा है जो कि सिस्टम फेल होगा। कब फेल होगा? सभी सब सिस्टम फेल होगा, वो एक ही केस है ऐसा। तो उसी एक ही केस को हमें पकड़ना है। तो उससे हम लोग का जो इक्वेशन मिल गया हमें, ओके, टोटल फेल्योर, सिस्टम फेल्योर होने का हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी। तो वहां से हम रिलायबिलिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस f(t). क्वेश्चन में जैसे हमें पूछेगा हम आंसर वैसे ही देंगे। तो अभी ये इक्वेशन समझ गए। अभी इसका मीन टाइम टू फेल्योर देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। इसका मीन टाइम टू फेल्योर जो है, इसका फॉर्मूला ऐसा है, 1 बाई लैम्डा कर दीजिए, देन 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अप टू जितना सिस्टम वैसा है। ये रहेगा आपका मीन टाइम टू फेल्योर का फॉर्मूला। ओके, उसमें क्या था? 1 बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसा था। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम, लैम्डा कॉमन रहेगा, तो मान लीजिए अलग अलग है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख के ऐसे लिखते हैं, मीन टाइम टू फेल्योर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 लैम्डा 3 ऐसा। ये सर, ओके, ये आपका इक्वेशन रहेगा मीन टाइम टू फेल्योर। अभी इनमें से लैम्डा सबका कॉमन होगा, तो सबका इक्वल होगा, तो तब जाके हम लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं, मतलब 1 बाई लैम्डा ले गए। तो क्या आएगा? 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 और 2 प्लस 1 बाई n, ये रहेगा। या सभी सब सिस्टम का फेल्योर रेट इक्वल रहेगा तो तब जाके आएगा ये। ओके, तो ये मीन टाइम टू फेल्योर का फॉर्मूला ये हो गया, मीन टाइम टू फेल्योर का। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये वही सेम क्वेश्चन है। ए माइनिंग सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल यूनिट इन पैरेलल एंड देयर कांस्टेंट फेल्योर रेट आर 0.0005। सबका समान इक्वल है, λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू λ3 इक्वल टू λ, दैट इक्वल टू, ये दिया हुआ है। ओके, और टाइम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 200 आवर दिया है। पूछा क्या है? सिस्टम मीन टाइम टू फेल्योर निकालो और रिलायबिलिटी निकालो। ये टर्म देखिए, रिलायबिलिटी निकालने के लिए पूछा है। ओके, पहले सिस्टम मीन टाइम टू फेल्योर निकाल देते हैं। कैसा होगा? जैसे मैंने बताया था, 1 बाई λ1 प्लस 1 बाई 2 λ2 प्लस 1 बाई 3 λ3, या फिर सबका लैम्डा सेम है तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन थे, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। तो इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? वो 3, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो इसीलिए लिख दे रहा हूँ। ओके, ये हो गया मीन टाइम टू फेल्योर। अब आता है क्या? रिलायबिलिटी निकालने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, सिस्टम का फेल्योर देखना है पहले। सिस्टम का फेल्योर कैसे? तीनों सिस्टम का फेल्योर निकालना है। कैसे? 1 माइनस r1t इंटू 1 माइनस r2t इंटू 1 माइनस r3, ये हो गया। अब 1 माइनस r1t कितना आता है? e^(-λ1) इंटू 1 माइनस e^(-λ2t इंटू 1 माइनस e^(-λ3। तो सभी का लैम्डा सेम है, तो हो गया e^(-λ t) का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस e^(-0.0005
इंटू 200 इसका होल क्यूब हो गया, ये जितना आएगा एक्स वाई जेड जो भी आएगा, एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। तो उसके बाद रिलायबिलिटी निकालना है, तो 1 माइनस f(t) इतना 1 माइनस xyz ये होगा आपका आंसर। ओके यहाँ गलत लिया है, ये स्क्वायर नहीं है ये क्यूब होगा। ओके या पैरेलल कनेक्शन क्लियर है। रो क्या पैरेलल कनेक्शन, यस और नो? यस और नो रिपीट करेंगे? ठीक है पहले क्या बताया मैंने पैरेलल में कि होल सिस्टम फेल होने हम देखेंगे। होल सिस्टम फेल कब हो रहा है? होल सिस्टम आपका फेल होगा कब फेल होगा? इफ ऑल सब सिस्टम फेल, सभी सब सिस्टम जब फेल होगा तब जाके आपका होल सिस्टम फेल होगा। ये होगा होल सिस्टम फेल का f(t). ओके सभी सिस्टम फेल है, सभी सिस्टम फेल है, तो जो सिस्टम फेल है सिस्टम फेल का हम क्या करते हैं 1 माइनस रिलायबिलिटी, यही होता है ना आपका रिलायबिलिटी होता है क्या 1 माइनस f(t)? तो वही है, तो ये हो गया मेरा, ऐसे लिख दिया मैंने। ओके देन जब मुझे यहां से रिलायबिलिटी निकालना है तो फिर टोटल फेल्योर का माइनस कर देना है 1 माइनस f(t), यही मैंने यहाँ पे यूज किया है। यूज किया है पहले मीन टाइम टू फेल्योर, तो फॉर्मूला ही यूज कर दिया इसमें, इसमें तो कुछ समझने के लिए नहीं है, सीधा फॉर्मूला यूज कर दिया। लैम्डा सबका समान है इक्वल है, तो लैम्डा को कॉमन ले लिया, फिर ये हो गया मेरा फॉर्मूला, इसको पुट करने से जो आंसर मिल गया मिल गया। ओके इसका काम खत्म। अब आता है रिलायबिलिटी, पूछा है मेरे को रिलायबिलिटी पूछा है, फेलियर प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? रिलायबिलिटी पूछा है। बट पैरेलल कनेक्शन है तब मैं सिस्टम का फेलियर प्रोबेबिलिटी पहले निकालता हूँ। सब सिस्टम वन का फेलियर प्रोबेबिलिटी, सब सिस्टम टू का फेलियर प्रोबेबिलिटी, सब सिस्टम थ्री का फेलियर प्रोबेबिलिटी। ये सब सिस्टम वन का फेलियर प्रोबेबिलिटी ऐसे आ जाएगा 1 माइनस रिलायबिलिटी ऑफ सब सिस्टम वन, 1 माइनस रिलायबिलिटी ऑफ सब सिस्टम टू, 1 माइनस रिलायबिलिटी ऑफ सब सिस्टम थ्री। तो वहां पे रिलायबिलिटी की जगह क्या है? e^(-λ1t), e^(-λ2t), e^(-λ3t). अभी क्या है? सभी लैम्डा इक्वल है, तो इसको ऐसे लिखूंगा तो मैं क्या होगा, लैम्डा वन की जगह लैम्डा होगा, लैम्डा टू की जगह भी लैम्डा होगा, लैम्डा थ्री की जगह भी लैम्डा होगा, मतलब तीनों सेम टर्म है, तो तीनों का क्या आ गया होल क्यूब। ओके यहां से मेरे को आंसर मिल गया, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आंसर मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद, उसको ये मिला क्या फेल्योर प्रोबेबिलिटी। अब यहां से निकालना है क्या रिलायबिलिटी निकालना है, तो रिलायबिलिटी क्या होगा 1 माइनस फेल्योर प्रोबेबिलिटी, क्या होगा 1 माइनस xyz, ये होगा मेरा आंसर। अब क्लियर है? चलो अभी सीरीज और पैरेलल का हो गया, तो क्या करते हैं गेट क्वेश्चन 2-3 देख लेते हैं सीरीज और पैरेलल का, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, उसके बाद चलेंगे हम ये अवेलेबिलिटी मीन टाइम बिटवीन फेल्योर जो आप पूछे थे जाएंगे। ओके तो उससे पहले उस गेट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
से क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी गलती नहीं करना है उसको, उसको अटेंड करना है और सही करके आना है उसको। तो इसीलिए कंसेप्ट आपका वैसा क्लियर होना चाहिए, तो करना है तो करना है और सही करना है उसको। ओके चलो, ये गेट 2004 का एक क्वेश्चन है, क्या बताएगी? चारों सिस्टम आपका पैरेलल में है, P1, P2, P3, P4, चारों सिस्टम पैरेलल में। ओके तो क्या ये चार पंप है, P1, P2, P3, P4, चार पंप है विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। ओके क्या बोला गया, रिलायबिलिटी चारों पंप का दे दिया है। ओके R1 दे दिया है आपका 0.8, R2 दे दिया है 0.9, R3 दिया है 0.85। ओके और जो R4 दिया है वो दिया है 0.95, ये चारों दे दिया है। पूछा क्या है कि रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम पूछा है, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम ये आपको पूछा है। ओके तो क्या है पैरेलल कनेक्शन, हमें पता है एक ही तो हम काम करना है, क्या है स्टार्टिंग कहाँ से जाना है कि सिस्टम फेल होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, F(S) क्या होगा, F1 इंटू F2 इंटू F3 इंटू F4। तो F1 कितना होता है, यहाँ यहीं पे सीधा लिख देता हूँ, F1 कितना होगा 1 माइनस R1 क्या होगा 0.2, F2 कितना होगा 1 माइनस R2 कितना होगा 0.1, F3 कितना होगा 1 माइनस R3 कितना होगा 0.85 माइनस करने से 0.15। ओके देन आता है F4 कितना होगा 1 माइनस R4 दैट इज 0.05, हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.15 इंटू 0.05 कितना आंसर आता है देखो। अभी रिलायबिलिटी क्या होगा 1 माइनस F(S) हो गया। गलती हुआ क्या, ये टोटल टोटल सिस्टम आपका रनिंग का रिलायबिलिटी। क्लियर है, हाँ ये क्लियर है। ओके तो इसी में एक दूसरा केस दिया हुआ है, एक्चुअली ये केस मैंने कंसीडर किया है, एक्चुअली क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपको एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, क्या है वो
कोई भी तीन पंप चलेगा तो आपका सिस्टम चलेगा। ओके, ये पूछा है कि सिस्टम रन इफ एटलीस्ट थ्री पंप वर्क, ये कंडीशन है। तो क्या है यहाँ पे, हम लोग पहला केस में जब कंसिडर किए कुछ कॉन्स्टेंट नहीं दिया था, तब हम लोग क्या कर रहे थे कि चारों पंप जब चलेगा तब जाके हमारा पूरा सिस्टम चलेगा, ये केस हम लोग कंसिडर किए और आंसर ये निकाल दिए। अब लेकिन क्या बोल रहा है, ऐसा है कि कोई एटलीस्ट थ्री पंप, तीन या फिर चार, तो तीन पंप चलेगा भी तो आपका सिस्टम चलेगा, या फिर चारों पंप चलेगा तो आपका सिस्टम चलेगा। ओके, तो वो फिर कितना केसेस वहां पे आएगा, देखिए कोई भी तीन पंप चलने का, एटलीस्ट थ्री पंप, अभी देखिए इसका केसेस आएगा तो कैसा करता हूँ मैं, ऐसे करता हूँ कि चार पंप लिखता हूँ, P1 P2 P3 P4, ये हो गया मान लीजिए होल सिस्टम। ओके, क्या बोल रहा है, कोई भी तीनों सिस्टम चला, तो पहले चारों चल गया तो सिस्टम चल रहा है, अभी कोई भी तीन केस चल रहा है तो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चलने का बस देखना है हमें, तभी चल रहा है। चल रहा है देन क्या चल रहा है, ये ऐसे आएगा, कितना केस टोटल आएगा, पांच केस ऐसे आएगा सिस्टम चलने का। ओके, कोई तीनों पंप चलेगा अभी तो सिस्टम चलेगा, तो एक एटलीस्ट थ्री, एटलीस्ट थ्री, तीन चलेगा नहीं तो फिर चार चलेगा, एटलीस्ट थ्री, मिनिमम में कोई तीन पंप चलेगा तो आपका सिस्टम चलेगा, मतलब चारों पंप चल रहा है तो ठीक है सिस्टम चलेगा ही चलेगा, कोई एक पंप बंद हो गया बाकी तीन पंप चला, देखिए पहले इसमें क्या है कि P4 बंद हो गया तो बाकी तीन पंप चल रहा है तो सिस्टम चल गया, फिर P1 बंद हो गया बाकी सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चल गया, P2 बंद हो गया बाकी तीन पंप चल रहा है तो सिस्टम चल रहा है, P3 बंद हो गया बाकी तीनों पंप चल रहा है तो सिस्टम चलेगा। तो इस केस में क्या आएगा आपका, रिलायबिलिटी जो है क्या आएगा, देखिए रिलायबिलिटी जो होगा चारों केस का, पहला ये एक पहला केस का क्या होगा, ये हमारा ये फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, R1 × R2 × R3 × R4, ये होगा सेकंड केस का, क्या होगा, पहला पंप चल रहा है, दूसरा पंप चल रहा है, तीसरा पंप चल रहा है, चौथा पंप नहीं चल रहा है तो 1 − R4। थर्ड का, पहला पंप नहीं चल रहा है तो क्या है उसका फेल्योर लेंगे, 1 − R1 × R2 × R3 × R4। फोर्थ केस का क्या है बा, ये हो गया, ये सेकंड केस है, सेकंड थर्ड, हाँ अब आता है फोर्थ केस, फोर्थ केस में कौन सा पंप नहीं चल रहा है, सेकंड पंप नहीं चल रहा है, देन फिफ्थ केस में थर्ड पंप नहीं चल रहा है, देन ये पांचों केस का रिलायबिलिटी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा टोटल रिलायबिलिटी। ओके, क्लियर है, ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि कोई भी एटलीस्ट तीन पंप चलेगा तो सिस्टम चलेगा, तो उसमें कैसे पांच केस हम लोग का आ रहा है कि सिस्टम चलने के लिए, तो रिलायबिलिटी बचा है तो रिलायबिलिटी टर्म में हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि इसमें फेल प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करेंगे तो बहुत सारा ज्यादा केसेस आएगा।
दो लोग बस यस बोले, बाकी लोग क्या है? क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो? क्लियर है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल तो इजी है। इसमें बोल दिया है कि ए बी सी डी चारों पैरेलल में है, और रिलायबिलिटी दे दिया है। आर वन दिया है 0.8, आर टू दिया है 0.82, आर थ्री दिया है 0.85 और आर फोर दिया है 0.5। तो रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम का पूछा है। पैरेलल में है तो क्या है रिलायबिलिटी, क्या आएगा आपका? रिलायबिलिटी 1 माइनस FFT। चलो पहले FFT निकाल देते हैं, कितना आएगा? 1 माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस 0.82, सीधा लिख देता हूँ मैं, 85 इंटू 1 माइनस 0.5। जो आएगा आपका आंसर उसको रिलायबिलिटी से माइनस कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। यही है। इसमें क्या है कि आप जितना जल्दी क्वेश्चन को समझेंगे और जितना जल्दी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, हमें इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि हमें इतना लिख के करने के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है इसमें, गेट में। जैसे माइनिंग गेट में तो टाइम आपके लिए सफिशियंट है, बहुत टाइम, बहुत ही इजीली आप लोग कर सकते हैं, बहुत टाइम बचेगा आपके लिए। तो ऐसा कीजिए कि आपका जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस बहुत फास्ट रखिए आप। और ये कि कभी प्रैक्टिस में वो एरर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करने का वो भी अभी से स्टार्ट कीजिए, गेट कैलकुलेटर यूज कीजिए, तो वो आपका हैंड स्पीड हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को समझ समझ के आप लोग जितना जल्दी ट्राई कर सकें उतना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। ओके, लास्ट को एक बार पूरा करने के बाद टाइम भी बचेगा, एक बार रिपीट कीजिए, रिविजन कीजिए उसको, कि देखिए कि हाँ सब क्वेश्चन आप लोग कैसे कैसे किए, सही किए न गलती किए। एक गलती हो गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम लोग कर सकते हैं ना उसको 100% परफेक्ट ही करना है। तो कहीं भी माइनर मिस्टेक से गलती हो गया तो फिर वो माइनस में, डिडक्शन में ही आएगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। एक सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चारों ए बी सी डी चारों सब सिस्टम था और चारों पैरेलल में था, चारों का रिलायबिलिटी दिया हुआ है और पूछा है कि आपका टोटल सिस्टम का रिलायबिलिटी। पैरेलल कनेक्शन है तो पहले फेल्योर का निकाल दीजिए, फिर 1 माइनस करके रिलायबिलिटी निकाल दीजिए। जो हम लोग इससे इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, पहला पहला पार्ट जो किए थे वैसा किए थे, सेकंड पार्ट में वो कांस्टेंट वाला सिस्टम लेके हम लोग किए। तो ये पहला पार्ट में ही सॉल्व करना है इसको। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक लॉन्ग वॉल माइनिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है उसका तीन सब सिस्टम है। ओके, थ्री सब सिस्टम इन सीरीज, सीरीज नहीं दिया है तो इसको सीरीज को ऐसे लिखा है कि थ्री सब सिस्टम, थ्री सब सिस्टम, टोटल तीन सब सिस्टम है। पूछा है कि आपका सिस्टम रन करेगा जब ऑल थ्री सब सिस्टम आपका रन होगा। मतलब ये जो सेंटेंस लिख दिया ना, ये आपको बता रहा है कि वो सीरीज कनेक्शन है। ये बता रहा है आपको कि सीरीज कनेक्शन है, हाँ तीनों जब चलेगा तब जाके मेरा सिस्टम चलेगा। ओके, तो इसमें क्या दिया है? लैम्ब्डा 1 दे दिया है, कितना? 0.15।
लैम्डा टू दिया है 0.2, लैम्डा थ्री दिया है आपको 0.1। ओके, अब पूछाएगी आपको रिलायबिलिटी निकालना है फॉर अ टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 4 आवर, ये पूछा है। तो रिलायबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या है, आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो आर वन की जगह क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा थ्री टी। अब इसको लिखेंगे तो ऐसे क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस 0.15 इंटू फोर, ई टू द पावर माइनस 0.2 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.1 इंटू फोर, ई टू द पावर माइनस 0.6, ई टू द पावर माइनस 0.8, ई टू द पावर माइनस 0.4। अभी सबको एक ही साथ लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.6 तो 1.8, ई टू द पावर माइनस 1.8। आंसर निकाल दीजिए, जितना होगा वही है आंसर आपका। हो गया, क्लियर है, 0.1652। तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग का ऐसा सिस्टम है, चार टोटल चार सब सिस्टम है, ए बी सी डी। अब ऐसा सब सिस्टम दिया हुआ है और इनका जो रिलायबिलिटी दिया है, इसका 0.6, इसका भी 0.6, इसका भी दिया है 0.5, इसका दिया है 0.5। ओके, अभी पूछा है सिस्टम का रिलायबिलिटी, हो गया। अब क्या करना है, इसको हम लोग सॉल्व करें, ये दोनों सीरीज में है, पहले ये दो सीरीज में है, ये दो सीरीज में है, बाकी बाकी दोनों पैरेलल में। तो ऐसा हम करते हैं कि ए बी को सीरीज कर देते हैं, सी डी को सीरीज कर देते हैं, तो ये दोनों का तो रिलायबिलिटी सीधा हमें आ जाएगा कितना, 0.6, 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा दोनों का रिलायबिलिटी। तो अभी क्या होगा, हम लोग दोनों अभी हमारा पैरेलल हो गया, तब हमारा जो प्रोबेबिलिटी आए, रिलायबिलिटी आएगा कितना आएगा, 1 माइनस 0.36 इंटू 1 माइनस 0.25। कितना आ रहा, 1 माइनस, ये भी है। हो गया, हो गया। तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट सॉल्व करना है, रिलायबिलिटी क्वेश्चन इजी रहता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को समझना है आपको और आंसर आप फटाफट सॉल्व करना है आपको।
तो ये हो गया हमारा रिलायबिलिटी का सीरीज, पैरेलल और रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलायबिलिटी का। कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टर्म यूज करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब देखते हैं मशीन अवेलेबिलिटी का, ये सब फॉर्मूला है, बस इसको याद रखना है। मशीन अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है ये, N200 में परसेंटेज में देते हैं, देगा इंटू जो 100 लिया है हम लोगों ने, तो क्या है N200, इसीलिए कि ये परसेंटेज में निकालेगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखिए। तो क्या है TH, क्या टोटल आवर, DT क्या है डाउन टाइम। ओके, मतलब मशीन हमारे पास कब अवेलेबल निकालना है, अवेलेबिलिटी मशीन कब अवेलेबल कब रहता है हमारे पास। अभी मान लीजिए आप माइंस में काम कर रहे हैं, आपके पास एक लोडर है, तो वो लोडर आपके पास कब अवेलेबल रहेगा ऑपरेशन के लिए, काम करने के लिए, कब, जब कुछ टोटल टोटल आवर, जो लोडर आपके पास टोटल ऑलरेडी है वो होता है टोटल आवर, उसमें से डाउन टाइम कितना टाइम वो लोडर डाउन है, तो उसको तो कंसिडर नहीं करेगा ना, वो तो डाउन था, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो टोटल आवर से डाउन टाइम माइनस करने से ये आता है हमारा, जो ये आता है अवेलेबल टाइम। ये है अवेलेबल टाइम बोलेंगे तो, अवेलेबल टाइमिंग बोले, टाइम बोले तो कितना आएगा, टोटल आवर माइनस डाउन टाइम आवर, और अवेलेबिलिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो परसेंटेज में आ रहा है, टोटल आवर के साथ परसेंटेज में आ रहा है। ये हो गया उसका अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला, क्लियर है अवेलेबिलिटी। क्या अवेलेबिलिटी क्लियर है, अवेलेबिलिटी के बाद चलते हैं किसमें, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर में। अब आते हैं यहाँ पे मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। ओके, ये जो आप लोग आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना नंबर ऑफ फेल्योर के लिए, यही है। क्या है फेल्योर कब होता है ये बताइए पहले, फेल्योर जब आप लोगों ने काम कर रहे होंगे, लोडर जब ऑपरेशन में है, काम करते टाइम फेल होगा, ऐसा नहीं कि जब स्टैंड बाय में खड़ा है तो फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टैंड बाय में तो खड़ा नहीं, स्टैंड बाय में तो फेल नहीं होगा ना, जब आपका ऑपरेटिंग में है तब जाके फेल होगा। अभी ऑपरेटिंग आवर कितना होगा वो देखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग आवर कितना होगा, ऑपरेटिंग टाइम क्या है, आपके पास टोटल टाइम जितना टाइम आपके पास है उसमें से डाउन टाइम निकाल माइनस कर दीजिए, मतलब अवेलेबल इतना टाइम आपके पास लोडर अवेलेबल था, उसमें आपको स्टैंड बाय कितना टाइम रख दिए, वो है स्टैंड बाय भी रख दिया ना, उतना टाइम काम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी जितना टाइम बचा आप ऑपरेटिंग, तो टाइम आप ऑपरेटिंग टाइम हो गया, वो उतना टाइम आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग टाइम बाय नंबर ऑफ फेल्योर, ये हो गया आपका मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। देना था क्या यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन क्या है, आपके पास मशीन कितना टाइम अवेलेबल था और आप कितना टाइम उसको ऑपरेटिंग में लगाए, ये देखिए ये होता है ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम ये हो गया मेरा क्या अवेलेबल टाइम, इंटू 100 कर दिया, मेरे को परसेंटेज में मिल जाएगा यूटिलाइजेशन। अब क्लियर है मीन टाइम बिटवीन फेल्योर और यूटिलाइजेशन। क्लियर है, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर यूटिलाइजेशन। अब चलते हैं इसके आगे, क्या है प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है। इसमें क्या है एपी जो है एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, ओके, आपका आरसी हो गया रेटेड कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी एक्सप्रेस यूनिट्स पर आवर, देन ये जो है आपका ऑपरेटिंग आवर, ये हो गया ऑपरेटिंग टाइम,
तो ये फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी। देन आता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस देखेंगे तो तीनों चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, अवेलेबिलिटी, देन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, देन यूटिलाइजेशन। ओके ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मार्क कीजिए तीन चीज कि ये परसेंटेज में है, 100 मल्टीप्लाई हुआ है प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए। यूटिलाइजेशन भी क्या है, परसेंटेज में है, 100 मल्टीप्लाई हुआ है बोल के। अवेलेबिलिटी भी परसेंटेज में है, 100 मल्टीप्लाई हुआ है। मान लीजिए 100, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो है तीनों है, ये तीनों जो है परसेंटेज में नहीं रहेगा। तो अवेलेबिलिटी मान लीजिए आया था 0.85, इसको हम लिख सकते हैं 85%। और आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी आया मान लीजिए 0.70, तो इसको लिख सकते हैं 70%। और यूटिलाइजेशन आया कि 0.95, इसको लिख सकते हैं 95%। लेकिन जब आपका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 इंटू 0.70 इंटू 0.95, जो आंसर आया 0. something आया, उसको परसेंटेज में आप लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई करके। लेकिन इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नहीं बोल सकते हम, तो ये एक्चुअली आंसर है, ये परसेंटेज करने के लिए हमें 100 मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे। ओके क्लियर है, अब क्लियर हो गया। अवेलेबिलिटी और क्या है, यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, देन ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओके और एक चीज होता है क्या, आपका जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, मीन टाइम टू फेल्योर बाय मीन टाइम टू फेल्योर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। ये एक फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी का। ओके इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। एक क्वेश्चन है देखिए, एक पंपिंग यूनिट है इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड माइन फॉर डी वाटरिंग ऑपरेशन। ओके इट शुड हैव रिलायबिलिटी ऑफ 0.95। कह दिया इट शुड हैव रिलायबिलिटी ऑफ 0.95 फॉर एन ऑपरेशन ऑफ 800 आवर। ओके अवेलेबिलिटी ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी 0.98। अवेलेबिलिटी दे दिया है। ओके अज्यूम कांस्टेंट हजार्ड फॉर फेल्योर एंड रिपेयर एस्टिमेट। अभी बताइए देखिए क्या है, पहला चीज है रिलायबिलिटी दे दिया है 0.95। ओके टाइम भी दे दिया है 800 आवर। तो अभी जीरो रिलायबिलिटी को हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होता है हमारा, 1 - e to the power - λt। ने पूछा है क्या मीन टाइम टू फेल्योर, और एक पूछा है क्या मीन टाइम टू रिपेयर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - e to the power - λt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो e to the power - λt, तो क्या है e to the power λt के जगह कितना है 800। ओके ये कितना होता है 0.95। यहाँ से आपका लैम्ब्डा का वैल्यू मिल जाएगा, तो मीन टाइम टू फेल्योर जो है कितना होगा 1/λ, ये मिल जाएगा यहाँ से। मीन टाइम टू फेल्योर काम हो गया। अभी आता है मीन टाइम टू रिपेयर कैसे निकालना है।
दिया है क्या है, अवेलेबिलिटी दिया है कितना 0.98, तो आपका 0.98 इक्वल्स टू हो जाएगा मीन टाइम टू फेल्योर बाय मीन टाइम टू फेल्योर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। यहां से आपको मिल जाएगा मीन टाइम टू रिपेयर। यहां देखिए तो 0.95 इक्वल्स टू ई टू दिवार माइनस लामड़ा टी, लामड़ा यहां से मिल गया। ओके मीन टाइम टू फेल्योर कितना हुआ 1 बाय लामड़ा, तो ये मिल गया मीन टाइम टू फेल्योर। अभी अवेलेबिलिटी इक्वेशन में डाल दीजिए इसको, तो यहाँ से आ गया मेरा मीन टाइम टू रिपेयर। ओके मीन टाइम टू फेल्योर मिल गया, मीन टाइम टू रिपेयर मिल गया, क्लियर हो गए। सुनो टाइम टू रिपेयर निकालने के लिए वो फॉर्मूला है, वो अवेलेबिलिटी से हम निकाल सकते हैं, और मीन टाइम टू फेल्योर का तो हमें पता ही है 1 बाय लामड़ा करना ही है, तो लामड़ा को कैसे तैसे भी निकाल दो, जो जो डाटा दिया है वहां से लामड़ा निकाल दो, 1 बाय लामड़ा कर दो, मीन टाइम टू फेल्योर हो गया। अभी आता है मीन टाइम टू रिपेयर, वो अवेलेबिलिटी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा हम। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिलायबिलिटी हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में लेके किए हैं, तो रिलायबिलिटी एक चेक करेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी देखेंगे, रिलायबिलिटी कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेके कर सकते हैं। और एक है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल पॉइंट आपके मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी वो चीज यूज होता है, रिलायबिलिटी के लिए भी कंडीशन आता है कि हाँ इस मान लीजिए कि जो जैसे क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पहले 10 घंटे के लिए काम दिया सिस्टम, अभी बता अभी की पहले 10 घंटे के लिए काम दे दिया है, अभी नेक्स्ट 10 घंटे के लिए काम करेगा बोल के उसका रिलायबिलिटी निकालना है, तो ये पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके नेक्स्ट क्लास में आपका रिलायबिलिटी क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिस्टम इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट रहेगा आपका। और मैं आपको सिलेबस देख रहा था, इस सर डिसीजन ट्री ऐड किया है, ओके तो उसको देखेंगे हम लोगों ने। डिसीजन ट्री का क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है सर, तो उस सिलेबस में ऐड किया है। ओके देखते हैं, तो आज का क्लास यही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके। एवरीवन।